एमएम हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। इसके लिए दो फॉर्मूला था। फर्स्ट फॉर्मूला क्या चीज़ था? पी ज़ीरो इक्वल टू पी वन प्लस टी वन डिवाइड बाय वन प्लस के। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कंपनी का, एबीसी कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस कितना है, 100 है ईयर के बिगनिंग में, 1 ईयर बाद, 1 साल बाद इसका प्राइस कितना है, 110 रुपया। कितना? 110 रुपया। तो ये क्या आ गया, पी ज़ीरो, और ये क्या हो जाएगा, पी वन हो जाएगा। फिर डिविडेंड इसको मिला कितना है, 10 रुपीज़ डिविडेंड मिला है। कितना डिविडेंड मिला है, 10 रुपीज़। तो डी वन कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़। तो ये चीज़ आ गया। दूसरा फॉर्मूला क्या चीज़ था, वैल्यू ऑफ फॉर्म, और इसी को क्या बोलते थे, एन इंटू पी ज़ीरो, पी ज़ीरो वैल्यू ऑफ फॉर्म, और इसी को क्या बोलते हैं, एन पी ज़ीरो इज इक्वल टू एन प्लस चेंज इन एन इंटू पी वन प्लस क्या चीज़ करते थे, अर्निंग माइनस क्या चीज़ करते थे, इन्वेस्टमेंट, होल डिवाइड बाय वन प्लस क्या चीज़ होता था, के ही होता था। अब सम्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, एन इंजीनियरिंग लिमिटेड बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच द कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। तो कैपिटलाइजेशन रेट 10% है, तो के कितना आ गया, 10%। इट करेंटली हैज आउटस्टैंडिंग 10,000 शेयर सेलिंग एट 100 इज। तो 10,000 शेयर हैं सेलिंग एट 100 रुपीज़, तो कितना हो गया, पी ज़ीरो कितना हो गया, 100। द फॉर्म इज़ कंटेम्पलेटिंग, मतलब ये सोच रहा है फॉर्म, द डिक्लेयर ऑफ डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर एट द एंड ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो ये सोच रहा है कि ₹5 पर शेयर ये डिविडेंड देने का सोच रहा है। इट एक्सपेक्ट्स टू हैव अ नेट इनकम ऑफ 1 लाख। इनकम कितना होने का मतलब सोच रहा है, 1 लाख, एंड हैज़ प्रपोजल फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख। किसम्स हैं, इलस्ट्रेशन नंबर वन। इलस्ट्रेशन नंबर वन में सबसे पहले पी ज़ीरो कितना दे रखा हुआ है, 100। फिर नंबर ऑफ शेयर कितना दे रखा हुआ है, 10,000। डिविडेंड कितना दे रखा हुआ है, 5 पर शेयर। अर्निंग 1 लाख रुपया, और इन्वेस्टमेंट कितने के लिए सोचा है, 2 लाख रुपये का। इन्वेस्टमेंट कितने का सोचा है, 2 लाख का। तो सम्स में ये सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अब इफ डिविडेंड आर नॉट पेड, अगर डिविडेंड अगर हम लोग पे नहीं करते हैं तो मार्केट प्राइस कैसे आएगा, तो पी ज़ीरो का फॉर्मूला क्या होता था, पी ज़ीरो इक्वल टू डी वन प्लस पी वन डिवाइड बाय वन प्लस के ई होता था। इसमें के ई कितना दे रखा था सम्स में, 10%। के ई कितना दे रखा था, 10% दे रखा था। तो डिविडेंड अगर हम लोग पेड नहीं कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता था, पी ज़ीरो इक्वल टू डी वन प्लस पी वन डिवाइड बाई वन प्लस के ई, फॉर्मूला तो यही होता था। तो पी ज़ीरो इसमें कितना है, 100। पी ज़ीरो कितना है, 100। डी वन डिविडेंड तो पेड नहीं कर रहे हैं तो डिविडेंड कितना आ जाएगा, 0 प्लस पी वन, तो हम लोग को निकालना है कि प्राइस कितना होने वाला है, 1 प्लस के ई कितना है, 10%। तो 100 इंटू ये कितना हो जाएगा, 1.1 इज इक्वल टू पी वन। तो पी वन कितना आ गया, 110। पी वन कितना आ गया, 110। तो डिविडेंड अगर पे नहीं कर रहे हैं तो पी वन कितना आ जा रहा है, 110। अब कंपनी के पास कितना अर्निंग है, 1 लाख। कंपनी के पास अर्निंग कितना था, 1 लाख, माइनस डिविडेंड पेड। डिविडेंड तो कुछ भी पे नहीं कर रहा है तो अर्निंग कितना बचा रह गया, 1 लाख। इन्वेस्टमेंट कितने का सोचा है,
इन्वेस्टमेंट 2 लाख का सोचा है कि 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करने वाला है, लेकिन कंपनी के पास पैसा कितना ऑलरेडी अवेलेबल है? फंड अवेलेबल 1 लाख तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अब कितना और चाहिए, कितना रिक्वायर्ड है? फंड रिक्वायर्ड कितना आ गया? 1 लाख। तो फंड रिक्वायर्ड 1 लाख आ गया, तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपया कंपनी को तो चाहिए, और एक शेयर का प्राइस कितना था अभी निकालें, 110, तो डिवाइड बाय कितना कर दिए, 110, तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख डिवाइड बाय 110, 909.09, तो ये आ गया नंबर आउट शेयर कितना आ गया, ये आ गया। अगर डिविडेंड पे नहीं करे तो फॉर्मूला क्या था, P0 = D1 + P1, D1 + P1 डिवाइड बाई 1 + KE, तो P0 कितना था, 100 रुपीज़ था, D1 कितना था, 0, D1 कितना था, 0, P1 कितना था हमको निकालना है, डिवाइड बाई 1 + KE, तो 1 + 10%। अब इस तरह से P1 कितना निकल गया, 110,000। अब 110,000 P1 निकल गया, कंपनी का अर्निंग कितना था, 1 लाख रुपये अर्निंग था कंपनी का, माइनस डिविडेंड तो कुछ दे नहीं रहे हैं, डिविडेंड दे नहीं रहे तो कितना, डिविडेंड 0 हो गया, तो कंपनी के पास पैसा कितना है, अब पैसा अवेलेबल कितना है, 1 लाख रुपये है, और इन्वेस्टमेंट कितने करना का चाह रहा है, 2 लाख का, 2 लाख माइनस 1 लाख अवेलेबल है तो माइनस कर दिए, तो फंड कितना और रिक्वायर्ड है, 1 लाख रुपये रिक्वायर्ड है, तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपये चाहिए, और शेयर प्राइस कितना, 110 रुपये, तो कितना आ गया नंबर ऑफ शेयर, 909.09। अब फॉर्मूला क्या होता था वैल्यू ऑफ फर्म का, NP0 या वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता था, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, N (n+change in n) × P1 प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट होल डिवाइड बाय 1 + K, ये होता फॉर्मूला ना, एन कितना था, नंबर ऑफ शेयर कितना दे रखा हुआ है, 10,000, प्लस चेंज इन एन कितना था, कितना नया शेयर चाहिए होगा, तो नया शेयर चाहिए होगा इतना, 1 लाख डिवाइड बाय 1,10,000, तो 1 लाख डिवाइड बाय 110 × P1 कितना था, 110 प्लस अर्निंग कितना था फर्म का, 1 लाख माइनस इन्वेस्टमेंट कितने करने जा रहा है, 2 लाख, होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1 + KE था, KE कितना था, 0.10 KE था। तो 10,000 × 10 तो 11 लाख आ गया, प्लस 1 लाख 12 लाख, प्लस 1 लाख माइनस 2 लाख, तो ये कितना आ गया, 11 लाख डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1, तो ये कितना आ गया वैल्यू ऑफ फर्म, 10 लाख। ये कौन सा में चीज़ था, जब डिविडेंड हम लोग पे नहीं कर रहे थे। अब दूसरा क्या चीज़ में बनाएंगे, जब डिविडेंड हम लोग पे कर रहे हैं, व्हेन डिविडेंड पेड, तो जब डिविडेंड पे कर रहे हैं तो P0 का फॉर्मूला क्या था, D1 + P1 डिवाइड बाय 1 + KE, P0 तो 100 ही है, P0 कितना दे रखा हुआ था, प्राइस ऑफ एट द बिगनिंग ऑफ ईयर तो 100, D1 डिविडेंड पे कितना कर रहे हैं, 5 पर शेयर, प्लस P1 तो कुछ मान निकालना है, प्लस 1 + KE कितना है, 10%, तो ये कितना हो जाएगा, 100 × 1.1 = 5 + P1, तो P1 कितना आ जाएगा, 105, P1 कितना आ गया, 105, तो 110 माइनस 5 कितना हो गया, 105, तो P1 ये निकल गया, अर्निंग कितना है कंपनी का, 1 लाख माइनस डिविडेंड पेड, डिविडेंड कितना पेड किया है, 10,000 शेयर पे 5 रुपया करके,
तो 10,000 × 5 तो कितना हो गया, 50,000 डिविडेंड पे कर दिया है, तो कंपनी के पास अवेलेबल फंड कितना हो गया, 50,000। कंपनी इन्वेस्टमेंट कितना करना चाह रहा है, 2,00,000 माइनस फंड अवेलेबल 50,000, तो फंड रिक्वायर्ड कितना आ गया, फंड रिक्वायर्ड 1,50,000। फंड रिक्वायर्ड कितना आ गया, 1,50,000। तो 1,50,000 फंड रिक्वायर्ड आ गया, तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर दैट इज चेंज इन एन कितना हो जाएगा, 1,50,000/105, 1,50,000/105। अब क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म कितना होता था, वैल्यू ऑफ फर्म का कितना था, एन प्लस चेंज इन एन इंटू P1 प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट होल डिवाइड बाय 1 + क्या चीज़ था, KE। 1 + क्या चीज़ था, KE। तो एन कितना दे रखा हुआ है, 10,000 शेयर प्लस 1,50,000/105 इंटू P1 कितना दे रखा है, 105। अर्निंग कितना है, 1,00,000 माइनस इन्वेस्टमेंट कितना था, 2,00,000 होल डिवाइड बाय 1 + 0.1। तो ये कितना आ जाएगा, 10,000 × 105 प्लस 1,50,000, तो ये कितना आ गया, 11,00,000/1.1। तो ये कितना आ गया, 10,00,000। दोनों ही केस में क्या, वैल्यू ऑफ फर्म क्या चीज़ हो रहा है, सेम हो रहा है। दोनों केस में क्या चीज़ हो रहा है, वैल्यू ऑफ फर्म सेम हो रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ ये सम्स क्या चीज़ हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है।